Osteoporosis is characterized by weakening of bones, making them fragile and more likely to break. Osteoporosis में क्या होता है? बोन मिनरल डेंसिटी और बोन मास दोनों कम हो जाता है, जिसके कारण बोन एकदम कमजोर हो जाता है। इवन खोखने और कुछ सामान उठाने पर भी फ्रैक्चर हो जाता है। महिला में हायर रिस्क होता है ऑस्टियोपोरोसिस के कंपेयर टू मेन। मेनोपॉज के बाद लोअर बोन मास हो जाता है मेन के कंपेरिजन में फीमेल में, क्योंकि ईस्ट्रोजन का लेवल एकदम शार्पली डिक्रीज होता है। बात करेंगे रिस्क फैक्टर, किसमें ज़्यादा खतरा होता है ऑस्टियोपोरोसिस होने का। प्रीवियस फ्रैक्चर थ्रू नॉर्मल फॉल्स, नॉर्मल फॉल पे भी पहले का फ्रैक्चर जो हुआ रहता है उसको होने का चांसेस होता है। अर्ली मेनोपॉज, अर्ली मेनोपॉज 45 साल से नीचे ही मेनोपॉज होता है उसमें खतरा होता है। फैमिलियल हिस्ट्री ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, फैमिली का अगर हिस्ट्री है तो। स्मॉल और स्लेंडर बॉडी फ्रेम, जो स्मोकिंग और अल्कोहल कंजम्पशन करते होंगे उनको हो सकता है ऑस्टियोपोरोसिस। इनएक्टिव लाइफ स्टाइल, मतलब जो फिजिकली एक्टिव नहीं है उनमें भी हो सकता है। इनएडिक्वेट कैल्शियम विटामिन डी इन डाइट, जो लोग अपने खाने में विटामिन डी और कैल्शियम अच्छा से नहीं ले रहे हैं या कमी हो रहा है उनको हो सकता है ऑस्टियोपोरोसिस। सर्टेन इलनेस सच एज रूमेटॉइड आर्थराइटिस, हाइपरथायरॉइडिज्म, मेडिकेशन में जैसे एस्ट्रॉइड जो यूज कर रहे हैं ओरली चाहे इंजेक्टेबल, उनको हो सकता है ऑस्टियोपोरोसिस। अब हम बात करेंगे 10 ways टू प्रिवेंट ऑस्टियोपोरोसिस, 10 तरीके जो कि ऑस्टियोपोरोसिस से बचाएगा आपको। 1 नंबर में, ईट इनफ कैल्शियम एंड विटामिन डी। बोन लॉस से बचाने के लिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी होता है। 19 साल से लेके 50 साल तक के एडल्ट में डेली इंटेक 1000 mg कैल्शियम रिकमेंडेड है। आप 65 साल से ऊपर है तो एटलीस्ट 700 mg कैल्शियम पर डे ले सकते हैं। गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम में जैसे मिल्क है, चीज़ है, वेजिटेबल्स है, ग्रीनी वेजिटेबल्स, कैल्शियम फोर्टिफाइड फूड्स सच एज जूस, सीरियल्स, ब्रेड। देखिए, हमारे बॉडी को कैल्शियम अब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन डी जरूरी है। तो अगर आप 50 साल से ऊपर हैं तो आपका एक लक्ष्य होना चाहिए कि डेली 400 से 800 इंटरनेशनल यूनिट ऑफ विटामिन डी पर डे ले सकते हैं। खाना के अलावा विटामिन डी का सनलाइट बहुत ही अच्छा सोर्स है। हमारा जो स्किन होता है धूप लेने पर विटामिन डी अल्ट्रावायलेट लाइट से बनाता है और उसको स्टोर करता है बाद में यूज करने के लिए। 2 नंबर में, ईट अ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट जब आप ले रहे हैं तो आप इंश्योर होइए कि आप इनफ मात्रा में फॉस्फोरस और मिनरल्स, विटामिन के, विटामिन B6, विटामिन B12 ले रहे हैं, क्योंकि ये इसेंशियल है हेल्दी बोन्स के लिए। 3 नंबर में, लिमिट योर अल्कोहल इंटेक। अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो उसको बंद कर दें या एकदम कम कर दें, क्योंकि अल्कोहल का सेवन करने से डिक्रीज होता है बोन फॉर्मेशन, उससे कम होता है एबिलिटी टू एब्जॉर्ब द कैल्शियम। 4 नंबर में, मॉडरेट योर इंटेक ऑफ कैफीन। कैफीन का सोर्स होता है कॉफ़ी, टी, लीचेस। ज़्यादा मात्रा में कैफीन लेने से एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम बोन में डिक्रीज होता है, क्योंकि पेशाब के मार्फत से कैल्शियम एक्सक्रीशन ज़्यादा हो जाता है। कैल्शियम की कमी से एल्डरली एज में ऑस्टियोपोरोसिस होने लगता है। 5 नंबर में, कट डाउन ऑन साल्टी फूड। अगर आप अपने खाने में बहुत ज़्यादा मात्रा में सोडियम या नमक का यूज कर रहे हैं तो उसे कम कर दें, क्योंकि सोडियम इनहिबिट कर देता है एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन आवर बॉडीज। डू वेट बियरिंग एंड स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज। वेट बियरिंग एक्सरसाइज से क्या होता है, बोन हमारा स्ट्रॉन्गर और डेंसर हो जाता है। वेट बियरिंग एक्सरसाइज में जैसे डांसिंग, जॉगिंग, रोप जंपिंग, सारे वेट बियरिंग एक्सरसाइजेज हैं बोन को स्ट्रेंथन करने के लिए। वेट लिफ्टिंग करें, वेट मशीन्स और इलास्टिक बैंड का यूज करें। जो हाई इंपैक्ट एक्सरसाइजेज नहीं कर सकते वो लो इंपैक्ट वाला एक्सरसाइज करें, जैसे कि वॉकिंग करें। 7 नंबर में, इंप्रूव योर बैलेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अगर आपका अच्छा फ्लेक्सिबिलिटी और बैलेंस है तो गिरने से बचाता है। योगा से भी इंप्रूव होता है बैलेंस और फ्लेक्सिबिलिटी और एक्सरसाइजेज जैसे कि ताई ची है, पाइलेट्स है। 8 नंबर में, मेंटेन अ हेल्दी वेट। लो बॉडी वेट इंक्रीज द रिस्क ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपका वेट ज़्यादा है तो ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होगा, हमें नॉर्मल वेट रखना चाहिए, उससे ज़्यादा फायदे हैं। हेल्थ कंडीशन अच्छा होता है, रिड्यूस रिस्क ऑफ अदर क्रोनिक कंडीशन सच एज हार्ट डिजीज नहीं होता है, डायबिटीज नहीं होता है। 9 नंबर में, डोंट स्मोक। स्मोकिंग कारण क्या होता है, बोन लॉस होने लगता है, इसके कारण क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम घटने लगता है। महिला में क्या होता है, स्मोकिंग के कारण रिड्यूस हो जाता है अमाउंट ऑफ ईस्ट्रोजन प्रोडक्शन। 10 नंबर, कंसल्ट अ डॉक्टर इफ़ यू हैव लॉस्ट हाइट ओवर द ईयर्स। हम जब ओल्डर होते हैं तो हाइट हमारा थोड़ा सा घटता है, लेकिन अगर आप 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा लॉस कर गए हैं तो ज़्यादा चांस है ऑस्टियोपोरोसिस का। ऐसे कंडीशन में अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।